गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ वेलकम टू योर ज्योग्राफी क्लास दिस इज़ पार्ट नाइन ऑफ द चैप्टर, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक स्वरूप इसमें अब तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं जैसे कि हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं हिमालय माउंटेन्स फिर हम उत्तरी मैदान यानि नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं फिर हमने प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा यानि कि पनेंसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा और फिर हमने इंडियन डेजर्ट यानी कि थार डेजर्ट के बारे में पढ़ा आज हम पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स के बारे में द कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान अब हम जानते हैं कि इंडिया की जो साउथ पोर्शन है इंडिया का आ, और आपने पिछले वीडियो में जब मैं आपको पेनिनसुलर प्लेट्यूब बता रही थी तब मैंने आपको जो मैप दिखाया था उसमें आपने देखा था वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स उसी उसमें आप uh, के जो कोस्टल प्लेन्स यानी जो तटीय मैदान हैं वो उसी उसमें आ, उसी रेंज में आते हैं आप जानते हैं कि ये पार्ट जो है वो समुद्र से सटा हुआ पार्ट है तो इसीलिए वो तट है और उसी के पास में जो मैदान है उन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं सो लेट अस बिगिन आ चैप्टर एंड द फर्स्ट पॉइंट विच आई

तटीय यानी कि कोस्टल पट्टियाँ यानी स्ट्रिप्स कोस्टल स्ट्रिप्स तटीय पट्टियाँ और स्ट्रेच है यानी कि उसका विस्तार है तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार का जो बॉर्डर है वो तटीय पट्टियों की संकीर्ण जो लाइन है उसका विस्तार है रनिंग अलोंग द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट और ये कहाँ कहाँ जा रहा है अरब सागर से होता हुआ पूरा पश्चिम जो कि आपके पश्चिम में है से होता हुआ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी जो कि कहाँ पर है आपके पूर्व पूर्व में है पूर्व में है वहाँ पर होते हुए जा रहा है तो ये आपका है द कोस्टल प्लेन्स अब ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं आपके यानी जो तटीय मैदान हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट तो पहले हम वेस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट द वेस्टर्न कोस्ट विच लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी जो वेस्टर्न घाट्स हमने पढ़ा था जब हमने पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में पढ़ा था तो वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट और किसके अरेबियन सी यानी अरब सागर के बीच का जो हिस्सा है वो है आपका वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट और ये इज़ अ नैरो प्लेन प्लेन ये एक संकीर्ण मैदान है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है जैसे कि आपके नदर्न प्लेन्स थे वैसा नहीं है ये एक नैरो प्लेन है यानी संकीर्ण मैदान है इट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला और ये जो वेस्टर्न घाट है आपका जो पश्चिमी तट है आपके वे वेस्टर्न कोस्ट ये आपके गुजरात से लेकर के केरला तक हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी कि आपके जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं वो आर डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस मेन थ्री सेक्शंस हैं वैसे ये फोर सेक्शंस में हैं पर जो मेन थ्री सेक्शंस हैं और जो जिनकी आपको स्टडी करनी है वो तीन सेक्शंस हैं तो पहला सेक्शन है द फर्स्ट सेक्शन इज द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोस्ट कोंकण कोस्ट फ्रॉम मुंबई टू गोवा ये मुंबई से गोवा तक का जो कोस्ट है ये है आपका कोंकण कोस्ट ये पहला है आपका उत्तरी भाग का दूसरा जो है आपका वो है सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द प्लेन यानी मध्य भाग इस मैदान का एंड इस कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन या कन्नड़ कोस्ट जिसे हम कन्नड़ मैदान या कन्नड़ तट के नाम से भी जानते हैं और जो सबसे लास्ट तीसरा पार्ट है आपका ये सदर्न पार्ट है यानी दक्षिणी भाग है इज रेफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट इसे मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है इट हैज़ अ नंबर ऑफ लगून्स इसके बहुत सारे लगून्स हैं लगून्स क्या लेगून हैं लेगून किन्हें कहते हैं खारे पानी के झीलों को कहते हैं लेगून तो सॉल्ट वाटर लेक्स आर कॉल्ड लगूनस दे कैन बी सीन इन द स्टेट ऑफ केरला केरला के जो का जो स्टेट है जो प्रदेश है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं द प्लेन्व नेचुरल हार्बर्स ये जो प्लेन्स हैं आपके ये नेचुरल है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जो जहाँ पे शिप्स वगैरह आती हैं उन्हें बंदरगाह कहा जाता है यानी हार्बर्स कहा जाता है तो ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं वैसे बंदरगाह बनाए जाते हैं ये प्राकृतिक हैं मुंबई एंड मार, गांव इन गोवा ये दो जो हैं ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं मुंबई और मोरमू गांव गोवा का तो ये दो प्राकृतिक बंदरगाह हैं इस स्ट्रेच पर वेन द फास्ट फ्लोइंग रिवर एंटर्स द सी थ्रू अ narrow क्रीक जब ये तेज़ बहने वाली नदियां जो हैं ये नदी में सॉरी uh, uh, ये जब सागर में मिलती हैं या समुन्द्र में मिलती हैं थ्रू नारो क्री किसके उससे एक पतली नदिका के या संकीर्ण नदिका के uh, उसे बन करके जब ये समुद्र में उतरती हैं एंड डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा और डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं बट ड्रेन्स ऑल द सिल्ट एंड सेडिमेंट्स इनटू द सी पर साथ में अपने क्या गाद उसको डेल्टा ना बना करके सारे गाद और तलछट को जो है वो समुद्र में मिला देती हैं इट इज़ नोन एज एन एश्चुरी इसे हम नदी मुख कहते हैं ये जो जब छोटी जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और कैसे मिलती हैं जो उनकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है पतली नदी का बन जाती है जब तो वो और डेल्टा नहीं बना करके के वो सारे गाद और तलछट को जब वो समुद्र में उतार देती है तो उसे हम क्या कहते हैं नदी मुख कहते हैं उसे हम एस्चुरी कहते हैं एस्चुरी हैज़ ए फनल शेप्ड माउथ ये जो नदी मुख है इसका कीप के आकार का मुंह होता है आपने देखा होगा कीप जिससे आप फनल जिसे आप कोई भी लिक्विड किसी बॉटल में डालते हैं म, आपकी मदर्स यूज करती हैं स्पेशली उसे जब आ, किसी बॉटल वगैरह में उन्हें तेल भरना है या कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट को भरना है तो उसका कीप का इस्तेमाल किया जाता है तो आपने देखा होगा कि की, कीप किस तरह का होता है तो कीप के आकार का ही मुख बनाती हैं जो नदी मुख होता है वो कीप के आकार का मुंह होता है नर्मदा एंड तापी फॉर्म एश्चुरीज अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ये मैं आपको क्यों बता रही थी इस नदी मुख या एश्चरी के बारे में क्योंकि नर्मदा और तापी रिवर्स जो हैं ये एश्चरी फॉर्म करती यानी नदी मुख फॉर्म करती हैं अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ये वेस्टर्न कोस्ट पर जो हैं वो एस्चुरी बनाती हैं यानी नदी मुख बनाती हैं तो ये था आपके वेस्टर्न कोस्ट के बारे में अब हम जो सेकेंड पढ़ेंगे वो ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे यानी पूर्वी तट के बारे में पढ़ेंगे पूर्वी तट जो है लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल तो जैसे कि वेस्टर्न आपने कोस्ट के बारे में पढ़ा कि वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में था वैसे ही ईस्टर्न कोस्ट जो है यानी पूर्वी तट जो है ये पूर्वी घाट और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के बीच में है द नदर्ण पार्ट इज नोन एज द नदर्ण सिरकार ये भी डिवाइडेड है तो पहला जो उत्तरी भाग है उसका वो उसे हम कहते हैं नदर्ण सरकार उत्तरी सरकार कहते हैं इसे एंड सदर्न पार्ट इज रेफर्ड टू एज कोरोमंडल कोस्ट और जो दक्षिणी भाग है इसका इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट ये दो ही भाग में डिवाइडेड है न, नदर्ण सिरकारा एंड कोरोमंडल कोस्ट उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बंगाल टू कन्याकुमारी ये बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका स्ट्रेच है एंड हैज फोर लार्ज डेल्टास फॉर्म्ड बाय महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी यहाँ पे डेल्टा बनते हैं पिछले जो हमने पढ़े यानी जो वेस्टर्न कोस्ट के बारे में हमने पढ़ा यानी पश्चिमी तट के बारे में पढ़ा हमने वहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं होते वहाँ एस्चुरी बनती है यहाँ पर डेल्टास बनते हैं वो भी चार डेल्टास बनते हैं एंड फॉर्म uh, कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी ये चार नदियाँ हैं जो डेल्टास बनाती हैं वो भी विशाल डेल्टा बनाती हैं लार्ज डेल्टास बनाती हैं और फोर डेल्टास हैं यहाँ पे और ये महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी रिवर से बने हैं नदियों से बने हैं लेक चिल्का एंड लेक पुलिकट यानी चिल्का झील और पुलिकट झील जो है आर इम्पोर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक्स यहाँ पे भी खारे पानी की झीलें हैं और ये दोनों खारे पानी की झीलें जो है, वो हैं वो इम्पोर्टेंट झीलें हैं ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये पूर्वी तटीय मैदान पर ये दोनों झीलें पाई जाती हैं तो ये था आपका कोस्टल प्लेन्स के बारे में यानी कि तटीय मैदान के बारे में और इनको मैं आपको अब मैप पे दिखाना चाहूँगी अब आपकी स्क्रीन पे एक मैप आ गया है इंडिया कोस्टल प्लेन्स तो ये आप जैसे देख सकते हैं जो बॉर्डर है इंडिया के सा जो नदियों से जुड़ा हुआ बॉर्डर जो है इंडिया का नदियों के बगल में सॉरी सागर या समुद्र के बगल में जो बॉर्डर है इंडिया का वो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यानी आपके पश्चिम में वेस्टर्न यानी पश्चिमी तटीय मैदान है और आपके पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान हैं तो सबसे पहला आप देख सकते हैं वहाँ पे कि काठियावाड़ कोस्ट है ये क्योंकि गुजरात से होता हुआ मैंने आपको बताया कि वो केरला तक आता है तो गुजरात का वाला जो पार्ट है वो काठियावाड़ कोस्ट है उसके बाद आता है जो आपके थ्री मेन कोस्ट हैं डिवाइडेड जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके हैं तो सबसे पहला जो है वो है कोंकण कोस्ट ये मुंबई और गोवा वाले एरिया में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और गोवा का जो एरिया है ये उसमें आता है कोंकण कोस्ट नेक्स्ट आपका है कन्नड़ कोस्ट जो आपके ठीक मिडल में है मध्य में है तो इसलिए ये कोंकण कन्नड़ कोस्ट है और लास्ट आपका जो दक्षिणी पार्ट है आपका दक्षिणी हिस्सा है दक्षिणी भाग है वो जो है वो मालाबार कोस्ट है वहीं पर आपका जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी कि पूर्वी तटीय मैदान पे आप आते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान पर आप अपने उत्तर की तरफ जो है वो देख सकते हैं कि नदर्न सिरकार हैं ये यानी कि आप इसे उत्तरी सर सरकार भी बोलते हैं इसे वो है और ये नदर्न पार्ट है इस ईस्टर्न इस कोस्टल प्लेन का और जो सदर्न पार्ट है वो है कोरोमंडल कोस्ट ये आपका दक्षिणी भाग है तो ये थे आपके कोस्टल प्लेन्स एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक और नेक्स्ट आपका हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे यानी कि द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे और विद दैट वी विल एंड आवर चैप्टर तो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसे रिवाइज करें और जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सो विद दिस आई एंड माई लेक्चर थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी